जोशी बहनें कहती हैं कि उनकी जैसी हालत प्रदेश के कई कलाकारों की है, अगर राज्य सरकार चाहे तो उनकी जिंदगी में भी सुधार आ सकता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े कई गानों को तैयार करने वाली, लोगों के बीच प्रचार करने वाली इन जोशी बहनों को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इनके जैसे कई कलाकार और भी हैं जो बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किसी के पास दवा के पैसे नहीं तो कोई परिवार नहीं चला पा रहा। ये कहती हैं कि अगर सरकार चाहे तो इन सभी की स्थिति में सुधार आ सकता है। यदि तो सरकार हमारे को प्रोग्राम देकर हमारी स्थिति सुधार सकती है। मैं देखती हूँ कि कई कलाकार ऐसे जो लखपति हैं, मेरे को उनसे कोई हिस्सा नहीं है, भगवान सबको दे। लेकिन अगर आप एक ही को देते जाएं और दूसरे को ना दें, जैसे मेरे जैसे और अन्य कलाकार हैं, अगर आप 10 लाख को एक ही कलाकार को दे रहे हैं, अगर वो 10 लाख को आप 10 कलाकार को देंगे तो स्थिति छत्तीसगढ़ के कलाकारों की सुधर सकती है। जोशी बहनों का कहना है कि पहले इन्हें कई प्रोग्राम मिलते थे, बाहर भी जाती थी। अब नया प्रदेश बने 13 साल हो गए, लेकिन सरकार ने इन्हें प्रस्तुति के लिए बाहर भी नहीं भेजा। दूसरी ओर सरकार के पास अपनी दलीलें हैं। सरकार के संस्कृति मंत्री इन कलाकारों की बदहाली से अनजान हैं। उनका कहना है ये कलाकार उनसे मिले, वो उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी ऐसा कुछ जानकारी में नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे वो मिल लें, उनका सम्मान बराबर रखा जाएगा। उनको कार्यक्रम कम मिलते हैं, घर की स्थिति कारण नहीं, अगर ऐसी स्थिति हो, मैंने ही बीच में उनकी स्थिति के कारण उनको कार्यक्रम दिया था, और उनको अगर कार्यक्रम चाहिए तो वो कार्यक्रम हम उनको देंगे। कई और कला प्रेमियों का भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो यहाँ लोक कलाओं की पहचान भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। रूपेश गुप्ता, सहारा समय, रायपुर।